हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रिम्स। टुडे आई शो यू हाउ टू डाउनलोड पाइथन करंट वर्जन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ क्रोम ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है पाइथन आई डी ई। जैसे आप पाइथन आई डी ई सर्च करोगे, ये देखो www.jetbrains.com, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या है करना है, यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आएगा। अगर आपके विंडोज़ के लिए करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास मैक ओएस है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। लिनक्स के लिए आप यहाँ जा सकते हो। मेरे को विंडोज़ के लिए करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कम्युनिटी दिखेगा, वहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये 403 MB का है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे डाउनलोड पे देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है इस पर। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके पास ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको पाथ दिखेगा। आप चाहे तो सिंपली यहाँ से जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है पाइथन कम्युनिटी एडिशन। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकॉन आ जाएगी शॉर्टकट। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन आईडीई। यहाँ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन आ चुका है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा इसके लिए। जैसे कि देख सकते हो आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। मैं जैसे ही फिनिश पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको क्या करना है, अपने अपने पाइचम को ऑन करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। देखिए, अगर दोस्तों आपके लैपटॉप में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है तो यहाँ पे पाइथन की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जैसे क्रिएट करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो ये ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे प्रिंट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हाय पाइचाम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।